इस वीडियो में लास्ट पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ, आखिरी पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने ये वाला काम नहीं किया तो ये सारा काम आपका बेकार हो जाने वाला है। दोस्तों नमस्कार, जयहर सिंह, मैं प्रमोद मौर्य, एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। समय ने समय को अगर सही से नहीं समझा तो समय आपको बर्बाद कर देगा। अगर आप अपने समय को वैल्यू नहीं देते हो, समय को सही इस्तेमाल नहीं करते हो, तो समय आपको बर्बाद कर देगा। अच्छे अच्छे लोगों को मैंने समय से पहले समय को ना इस्तेमाल करने से सही तरीके से बर्बाद होते हुए देखा है। तो अगर आप समय का सही इस्तेमाल करते हैं तो बड़ी ऊंचाइयों तक जाएंगे, आप अपनी ग्रोथ कर पाएंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, अपने जीवन को बेहतर बना पाएंगे। क्योंकि समय, समय से समय को बदल देना बहुत जरूरी होता है। अगर आप समय से समय को नहीं बदलते हो और समय आपको जब बदलने लग जाता है तो बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। तो आज बात करने वाले हैं समय के बारे में कि समय क्या है, और यह समय आपको गिफ्ट के मिला है, गॉड गिफ्ट मिला है, भगवान की तरफ से गिफ्ट में मिला है। सोचो अगर समय का भी रिचार्ज करना होता, भगवान को आपको पे करने होते, पैसे देने होते अपने समय का, तो आप समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो आज समय की बात करने वाला हूं, क्योंकि समय आप कई लोगों को सुने होंगे आपकी, समय कट रही है, बस समय काट रहा हूं, बस किसी तरीके से टाइम पास कर रहा हूं। भाई साहब, टाइम पास करने के लिए नहीं मिला आपको, आप टाइम को पास करें मतलब अपना नाश कर रहे हो। टाइम को पास नहीं करना है, अपना नाश नहीं करना है, तो टाइम को वेस्ट नहीं इन्वेस्ट करना है, टाइम को सही तरीके से शेड्यूल करके काम करना है, तो आप जीवन में बहुत बेहतर तरीके से जिंदगी में आगे जा सकते हैं। चाहे वो रोडपति हो, चाहे वो करोड़पति हो, रोडपति हो, करोड़पति हो, सभी इंसान को, सभी जीव जंतु को, सभी पक्षियों को, पशुओं को क्या मिला हुआ है, 24 घंटे। क्या मिला है? ये 24 घंटा, ये 24 घंटा का जो टाइम मिला हुआ है, 24 घंटा, ये 24 घंटा का टाइम ही आपको बताता है कि आप जीवन में कहां तक जा सकते हो। 24 घंटे के टाइम को अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, मैनेज करते हैं, शेड्यूल बना करके काम करते हैं, तो आप बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को एंजॉय कर पाएंगे। 2024 में आप बहुत बड़ा कुछ कर पाएंगे। तो आज मैं समय के ऊपर बात करने वाला हूं। समय लोग ऐसे पानी की तरह बहाते हैं, क्या बताऊं, एकदम देख करके बहुत ज्यादा दुख होता है मुझे, अब होता है, पहले मुझे भी नहीं होता था, जब मुझे भी नहीं पता था इसकी गणित क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। तो आज समय के बारे में बात करने वाला हूँ। समय निकाल करके इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, पूरी वीडियो देखने से आपको समझ में आएगा, नहीं तो समय खराब हो जाएगा। मैं बता दूं दोस्तों, ये मैनेज अगर आपने कर लिया, समय को मैनेज अगर आपने कर लिया, तो जिंदगी में आपको जिंदगी बहुत सफल बना देगी। तो सबसे पहले नंबर पर बात करते हैं, मैं लिख के रख लिया हूं सारी चीज, नींद। हर इंसान को नींद, नींद बहुत आती है, नींद चाहिए। ज्यादा सोने वाले और ज्यादा खाने वाले कितने तो उठे ही नहीं, तो आप कुछ दिन अगर कम खा लोगे, कम सो लोगे, तो कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, कुछ खराब नहीं होने वाला। नींद, नींद कितने घंटे की, एक स्वस्थ आदमी को कितने घंटे की नींद चाहिए, वैसे तो साइंस के हिसाब से 6 घंटे नींद चाहिए, पर मैं कहता हूं आप ज्यादा नहीं, आप 7 घंटे नींद मार लो। कितना घंटे? 7 घंटे। आप 7 घंटे की नींद ले लो, आप 7 घंटे नींद ले लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद काम की बात आती है, तो काम कई लोग 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे करते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे काम करते हैं, बाकी तो टाइम पास ही करते हैं। तो अगर मैं काम की बात करूं, आप जो भी काम करते हैं, जहां भी करते हैं काम, आप कितना करो, 8 घंटे, ज्यादा नहीं, 8 घंटे का आप काम करो, ठीक है। ये हो गया काम, ठीक है, आप जोड़ते जाना। 24 घंटे को कैसे मैनेज करना वो मैं बताने जा रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं, आप सबके पास परिवार, हमारे पास भी परिवार है, बच्चे हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, तो परिवार के लिए आपको कितना टाइम निकालना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, परिवार, परिवार के लिए टाइम कितना निकालना है, 1 घंटे। 1 घंटे का टाइम बहुत है परिवार के लिए, बातचीत करना, उनके साथ में सलाह करना, उनके साथ में जो भी डिस्कस करनी है, जो भी हंसना बोलना है, 1 घंटे का टाइम बहुत होता है, 1 घंटे आप परिवार के लिए निकालिए। उसके आगे चलते हैं दोस्तों, भगवान, कई लोग को पुजारी होते हैं, कई लोग पूजा करते हैं और करना भी चाहिए, भगवान, आप भगवान के लिए कितना टाइम निकालते हैं, तो उनके लिए भी आप 1 घंटा जरूर निकालो, यानी 1 घंटे उनके लिए भी निकालना है। पूजा पाठ करने के लिए भी 1 घंटे आपको निकालना, सुमिरन करने के लिए, आपको जो भी, आप जिन भी गुरु को मानते हैं उनका ध्यान करने के लिए, उनकी पूजा करने के लिए 1 घंटे का टाइम उनके लिए भी आप निकाल सकते हैं, जरूर निकालिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर आप कहते हैं कि आप शरीर को अगर अहमियत नहीं देते हो, शरीर को वैल्यू नहीं देते हो, शरीर से प्यार नहीं करते हो, तो जिंदगी में आप कभी किसी और से प्यार नहीं कर सकते। एक बीमार शरीर के पास सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, एक उम्मीद होती है कि बस मुझे किसी तरह से जिंदा कर दो। उसके पास एक ही सपना होता है, मुझे किसी तरह बचा लो, मुझे किसी तरह से जिंदा कर दो, बीमार शरीर को। लेकिन एक स्वस्थ शरीर के पास अनेकों सपने होते हैं, अनेकों उम्मीदें होती है, अनेकों ख्वाहिशें होती है। तो एक स्वस्थ शरीर में सारी चीजें पाई जाती है। तो आप एक बीमार शरीर पाना चाहते हो कि स्वस्थ, तो आप स्वस्थ शरीर पाना चाहते हो, तो स्वस्थ शरीर रखने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए आपको एक काम करना होगा जिसका नाम है व्यायाम। व्यायाम आपको व्यायाम करना होगा। आप व्यायाम कितना घंटे करें, तो 2 घंटे आप व्यायाम जरूर करें। 2 घंटे व्यायाम सुबह शाम आप कर सकते हैं। ये 2 घंटे का व्यायाम आपका बहुत सारा काम कर देता है। उसके आगे चलते हैं दोस्तों, आप अपने आप को टाइम कितना देते हैं। हम लोगों को सोचने में, लोगों को जज करने में, लोगों के बारे में सोचने में तो सब टाइम निकाल देते हैं, अपने लिए हम कितना टाइम निकालते हैं, अपने सोचने, हमें कहां जाना, हमें क्या करना, हमें कौन सा चीज को अपडेट करना, बदलना, चेंज करना है, अपने बारे में हम कब सोचते हैं, अपने सारे सपनों के बारे में, अपने सारे ख्वाहिशों के बारे में, अपने ग्रोथ के बारे में और सब चीज के बारे में, यानी खुद के बारे में कब बात करते हैं। तो अपने लिए भी आपको टाइम देना है। कब टाइम देना है? जब भी आप टाइम दे सकते हैं। जिस टाइम आप अपने आप को टाइम दे, उस समय आपका फोन स्विच ऑफ मोड में रहना चाहिए, आपसे दूर होना चाहिए, आप एकांत में होने चाहिए, अलग जगह पे होने चाहिए, जहां कोई शोर शराबा ना हो, कोई टच करने वाला, कोई बोलने वाला नहीं होना चाहिए, उस जगह पर आपको रहना है और एकांत में होकर, अकेले में होकर, अपने आप से, खुद से बैठ करके बातें करना, जो मैंने अभी तक किया
और जो मुझे आगे करना है, जो अभी तक मैंने किया वो कैसा रहा, बढ़िया रहा, कहाँ कहाँ गलतियां, उसे सुधार करना है, आगे जो मैं करने वाला हूँ, जो करना मैं चाहता हूँ उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, वो भी आपको अपने बारे में सोचना है। तो आप स्वयं के बारे में खुद को टाइम आपको देना है, मतलब स्वयं को टाइम देना है, एक घंटे का टाइम देना है और इस एक घंटे को आप अलग जगह पे टाइम देना। उसके आगे चलते हैं दोनों दोस्तों। दिनचर्या, आपका जो काम दिन भर का जो काम रहा, आपने क्या किया नहीं किया, कहाँ गलती हुई कहाँ गलती नहीं हुई, मुझे क्या चीज में सुधार करना चाहिए, क्या चीज में अपडेट करना चाहिए, कौन तरीके से मुझे काम करना चाहिए, क्या चीज में बदलाव करना चाहिए, दिनचर्या आपका कैसा रहा, दैनिक दिनचर्या आपका कैसा रहा, उसके लिए भी आपको टाइम देना है। उसके लिए भी लिखित रूप में लिखना है दैनिक दिनचर्या, ठीक है, दैनिक दिनचर्या को आप ज्यादा टाइम नहीं, मैं कहता हूं आप उसके लिए आप दो घंटे निकाले, कितना घंटे निकाले, दो घंटे दैनिकचर्या के लिए आप निकाले। और जो इस वीडियो में लास्ट पॉइंट जो बताने जा रहा हूँ, आखिरी पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आपने ये वाला काम नहीं किया तो ये सारा काम आपका बेकार हो जाने वाला है। इस लास्ट पॉइंट को जरूर सुनिए, आपको मैं जो बताना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, गहराई से समझना। लास्ट में आपको ये काम जरूरी है जो करना ही करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं न्यू स्किल। क्या बोलते हैं? न्यू स्किल, ठीक है दोस्तों, न्यू स्किल्स, हाँ, न्यू स्किल्स आपको ये जरूरी डेवलप करनी है, न्यू स्किल्स। और जब तक न्यू स्किल्स नहीं डेवलप, इसके लिए आपको दो घंटे का टाइम देना है, दो घंटे का टाइम आपको देना है न्यू स्किल्स लिए। अगर आप न्यू स्किल मतलब नई जानकारी आप नहीं लेते हो, कुछ सीखने का प्रयास नहीं करते हो, कुछ अलग करने का प्रयास नहीं करते हो, मतलब आप गलत करते हो। न्यू स्किल्स जरूरी है, बहुत जरूरी है, लगातार सीखते रहना जरूरी है। आप अगर इन सभी पॉइंट पर काम कर ले गए तो आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है। आपका 2024 आपका बहुत ही बेहतर हो सकता है। 2024 में आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं, सफल हो सकते हैं अगर आपने इन सब चीजों पर काम किया। नंबर वन, नींद 7 घंटे की। नंबर दो, काम 8 घंटे करें। नंबर 3, परिवार को 1 घंटे का टाइम दे। नंबर 4, भगवान को 1 घंटा आप टाइम दे, व्यायाम करें आप। नंबर पांच व्यायाम करें 2 घंटे आप। नंबर 6, आप खुद को टाइम जरूर दीजिए 1 घंटा सोचने समझने में। और नंबर 7, दैनिक दिनचर्या आपने क्या किया उसको 2 घंटे एनालाइज कीजिए, बिना एनालाइज का कोई काम नहीं होता। नंबर 8, ये 8 पॉइंट, न्यू स्किल, नई जानकारियां, नया अपडेट, नया तौर तरीका, नया आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, नए तरीके से आपको सीखने पड़ेंगे। यदि आपने इस 8 चीजों को सही तरीके से मैनेज किया और सही तरीके से काम किया तो ये 8 चीजों से निकल करके आता है 24 घंटे, ये 24 घंटे आपका सही तरीके से इस्तेमाल में आ जाएगा और आप बनेंगे इस 2024 में एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन लीडर, एक बेहतरीन खूबसूरत, खूब शानदार, जानदार, जबरदस्त वाला व्यक्ति बन जाएंगे अगर आपने सही चीज को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको काफी अच्छी लगी होगी। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं तो इस तरह की जानकारी आपको नहीं मिल पाएगी और इस तरह से बहुत सारी जानकारी मैं चैनल पर आपको देने वाला हूं। इस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, लोगों को ग्रुप में व्हाट्सएप पे लोगों के पास भेजिए ताकि सभी लोग इस तरह से शेड्यूल बना करके काम कर सके। अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ आपके बीच में आऊंगा, तब तक के लिए आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान और अपने परिवार का ध्यान जरूर रखें। जय आरसीएम, जय हिंद।